नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर संभाग के जिला कटनी के झीमर खेड़ा वन परिक्षेत्र में मादा तेंदुए का शव मिलने के बाद वन अमले के द्वारा मादा तेंदुए के पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा मादा तेंदुए का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मादा तेंदुए की मौत का खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि मादा तेंदुए की मौत फंदे में फंसकर हुई है, जिसमें मादा तेंदुआ फंदे में फंसी और करीब दो दिन तक संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके गले के निचले भाग में फंदे के निशान है। संभवतः जंगल में शिकारियों द्वारा शिकार किए गए फंदा लगाया गया होगा। वहीं रिपोर्ट आने के बाद वन विभाग के अमले के द्वारा झीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र में डॉग स्क्वाड के साथ टीमों को सर्चिंग ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिकारियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर मौके पर भेजी गई है। जल्द ही टीमों के द्वारा शिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही इस ऑपरेशन में एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। लेपर्ड्स को लाया गया है यहाँ पर, क्या प्राथमिकता भी देखी गई है, क्या उसमें निकला है? एक्चुअली उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी ने शायद जंगल में फेंका होगा, क्योंकि वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है एक आध दो दिन का हो गया है। कुछ मैगट्स दिख रहे थे उसमें और गले में कुछ निशान भी लग रहा है, तो संभावना है कि मे बी कुछ फंदा वंदा लगाया हो, डॉक्टर लोगों ने ऐसा बताया। बाकी इनके रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कि क्या है एक्चुअली। वन ईयर का है, फीमेल है। कैसे पता चला कि काफ़ी दिन से, चूँकि काफ़ी पुराना भी बताया? हाँ, वह एक्चुअली मुखबिर हमारे रहते हैं और सुरक्षा श्रमिक बीट में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उन्होंने कल देखा और उन्होंने वहाँ के बीट गार्ड को बताया। फिर बीट गार्ड लोग मौके पे तुरंत ही आधे घंटे बाद पहुँचे। साथ में हमने यहाँ से डॉग स्क्वाड की टीम भी भेजी, वहाँ पे आसपास के एरिया में एक डेढ़ से किलोमीटर में सर्चिंग भी करवाई कि कुछ ऐसे और स्पॉट्स तो नहीं है, कोई संदिग्ध की जानकारी तो नहीं है। तो अभी तो कुछ समझ में आया नहीं। उसके बाद बॉडी को उठाकर यहाँ ले आए पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी कॉलेज में, और अभी उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बताएंगे हम। ठीक, कारण लग रहा है कि कहीं ना कहीं फंदे ही वहाँ पर लगाए गए। संभावना हो सकती है, क्योंकि कुछ निशान तो हैं, डॉक्टर्स अभी ऐसा दिखा रहे हैं। फिर बाकी जो फुल इनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कह सकते हैं। मौके पर भी डॉग स्क्वाड है वहाँ पर लगातार? हाँ हाँ, चल रही है। हाँ बिल्कुल, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और अभी चलेगा ही, मतलब जब तक कल्प्रिट तक हम लोग नहीं पहुँच पाते या उसके रियल कॉज तक नहीं पहुँच पाते, तब तक चलेगा ही। ठीक, एसटीएफ की टीम को भी अभी हम सम्मिलित करेंगे उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। गुड नेम मैम? सीमा द्विवेदी, डिविजनल मैनेजर कुंडम प्रोजेक्ट। लेकर आया गया जी, हमारे पास कुंडम परियोजना में जो DFO मैडम है श्रीमती सीमा द्विवेदी मैडम से हमारे पास फ़ोन आया कि एक जबलपुर बमनी रेंज के पास में इनको एक तेंदुआ मिला हुआ है और मृत अवस्था मिला हुआ है। तो फिर हमने तुरंत ही यहाँ से एक टीम बनाई और फिर तेंदुए को यहाँ पे लाया गया रात में 11 बजे करीब। तो आज सुबह उसका हमने पोस्टमार्टम किया है, जिसमें कि एक पैथोलॉजिस्ट और यहाँ के दो डॉक्टर, डॉक्टर निधि राजपूत, डॉक्टर देवेंद्र पधाड़े और पैथोलॉजी से डॉक्टर मनीष जाटव, और हमारे यहाँ के सारे जो वाइल्ड लाइफ के हैं सारे डॉक्टर्स और DFO मैडम की उपस्थिति में किया गया। तो अभी प्रथम दृष्टि में तो हमें ऐसा लग रहा है उसमें मैगट थे और ऐसा लग रहा था कि जो शव है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, 3-4 दिन पुराना लग रहा है हमें शव। अब आने दीजिए, पूरी रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम आपको बेहतर बता पाएंगे कि जो एक्चुअल कॉज क्या थी डेथ। गले में क्योंकि चोट के निशान? हाँ, गले में हमें चोट के निशान नहीं, गले में हमें मैगट्स मतलब जो कीड़े जिनको हम बोलते हैं उनके साथ में हमें एक फंदा बंधा हुआ लगा। हो सकता है कि जो सुअर मारने के लिए जो ग्रामीण लोग लगाते हैं तो उसमें फंस गया हो, कुछ भी हो सकता है। और बाकी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको बेहतर तरह से बता पाएंगे। तो कितना बड़ा? लगभग 1 साल की ये जो मादा तेंदुआ थी। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।